19 जून रात की ये क्लिप है जब शोएब को मैंने अड्डे से जल्दी घर पे बुलाया। क्यों? क्योंकि अनु, एजे और तुषार जो है उन्हें सरप्राइज़ देने के लिए आए थे एंड बहुत अच्छा लगा। एजे ने मैसेज किया कि दीपिका हम आज फ्री हैं, हम आ जाएं, तो मैंने बोला नेकी और पूछ ज़रूर आ जाओ। और ये लोग बहुत समय बाद मिले तो द एंटायर एनर्जी वो सो हाई, बहुत मज़ा आया, खूब गप्पे मारी, खूब मस्ती की और बहुत बढ़िया से शोएब का बर्थडे ब्रिंग इन किया। हाय गाइस, मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। आज है 19th, ऑलमोस्ट 12 o'clock हो चुका है, यानी कि आज है 20th शोएब का बर्थडे एंड कल फोकर रोहान का बर्थडे। तो आई थिंक विद ईद, एक्चुअली विद फादर्स डे, पूरा सेलिब्रेशन मोड जो है वो ऑन हो गया। सो सब कुछ रेडी है, आपने देखा अनु, एजे, तुषार तीनों आए हैं, उन्होंने शोएब को सरप्राइज दिया और मैंने ना रूहान को भी रेडी कर दिया। मैंने उसके लिए एक बहुत क्यूट टी शर्ट मंगाई है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन सबसे पहले जो है हम केक ले चलते हैं, बाहर रख देते हैं। इस बार रिंकू ने बहुत ही क्यूट सा केक बना के भेजा है, इसने बोला शी वॉन्टेड टू मेक दिस। ये फादर और सन की जो लेटेस्ट फोटो हुई है, ये वो है। थैंक यू रिंकू। रिंकू कह जाए ये अभी तो मैंने फोटो पोस्ट की है दो चार दिन पहले ही। रिंकू उठाने में कितना टाइम लगता है, वो 5 मिनट में उठा के बना ले। सो ये क्यूट सा, कूल सा, बहुत ही प्यारा सा केक बना के भेजा हमारी रिंकू ने फ्रॉम डी केक क्रिएशंस। और ये सारे केक सभी फ्रेंड्स लेके आए थे और हमारा जो डेकोर है वो भी अभी फिक्स हो गया है बाय दिस इंस्टा पेज। प्रवीण भाई की जो पूरी टीम है वो आके करती है एंड फिर हम सब ने मिल के बर्थडे ब्रिंग इन किया और केक कटिंग किया। तो बाहर केक कटिंग हो गई है एंड एजे, अनु वगैरह रूहान के लिए भी केक लेके आए थे, तो रूहान का पहला केक कटिंग भी हुआ है एंड पापा का बर्थडे है, रूहान केक नहीं खाएगा तो सही नहीं लगेगा। एंड इत्तेफाक से आज ही डॉक्टर मुग्धा ने ये केक दिया है विच रूहान कैन हैव। मैं आज डॉक्टर मुग्धा के पास क्यों गई थी ये आपको शोएब के ब्लॉग में पता चल गया होगा, बाकी जो डिटेल ब्लॉग है वो आप कल देखेंगे। तो मैं इसमें से इतना सा पीस काट रही हूँ जिसमें से हम आज रूहान को खिलाएंगे और बाकी का जो है उसमें कैंडल लगा के कल खिलाएंगे, है ना। What are you watching? हिचकी लगी है। पानी इस टाइम। ये पानी नहीं चलेगा। रूहान? ए रूहान। किसका बर्थडे है? Happy birthday to you। डालेंगे ना पर आज दो और यहाँ पे पूरा बर्थडे। हाँ ठीक ठीक है और वो कार्टून्स ओके। सो हो गया है 20th इवनिंग, यानी कि अब एक तरफ शोएब के बर्थडे की डिनर की प्रेपरेशन भी हो रही है। आई थिंक ये पहली बार है कि हम शोएब के बर्थडे के लिए डिनर पे बाहर नहीं गए हैं क्योंकि रूहान का बर्थडे ब्रिंग इन करना है, तो ये लोग आ गए हैं रूहान के ब्रिंग इन का डेकोर करने के लिए। बहुत कलरफुल सा डेकोर रखा है हमने और थोड़ा सा बड़ा रखा है, इसीलिए फर्स्ट टाइम जो है हम यहाँ पे डेकोर, मतलब घर बनने के बाद हम यहाँ पे डेकोर कर रहे हैं। और ये जो डाइनिंग टेबल है वो यहाँ लगा दिया है, तो खाना हम यहाँ पे स्प्रेड कर देंगे और जिसे यहाँ से लेके खाना होगा वो यहाँ से खा लेंगे, बाकी सब लोग यहाँ बैठ सकते हैं। कार्टून वगैरह सब कुछ ऐड किया है तो देखते आज का पूरा दिन एक्चुअली ऐसे निकला है ना कि मैं पूरे दिन कुछ नहीं कर पाई, तो अभी सब कुछ शुरू हो गया है एंड ये शुरू हो गई रूहान के लिए जो हमने डेकोर थीम चूज़ किया था उस हिसाब से डेकोरेशन शुरू हो गई। सेम टीम है जो मैंने आपको पहले बताया एंड इत्तेफाक से इनको मिले हुए भी हमें अभी 1 साल हो गया, जो फर्स्ट बर्थडे इन्होंने डेकोर किया था वो यहीं पे था लास्ट ईयर शोएब का। अब वी आर गोइंग टू गेट इनटू रूहान्स फर्स्ट बर्थडे एंड आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो इमोशनल, देर आर सो मेनी, मतलब इतनी सारी चीज़ें चल रही है ना। मैं पिछले 2-3 दिन से ऑटोमेटिकली ना वो ओल्ड फोटोज़ में जा के देख रही हूँ कि कितना सा था,
एंड ये पूरा वीक ऐसा गया है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सेलिब्रेशंस हुए हैं. कल सॉरी आज शोएब का बर्थडे था एंड आई थिंक ये पहली बार हुआ है कि हम शोएब के बर्थडे पे कहीं पे भी डिनर के लिए नहीं गए हैं. हम यहीं घर पे ही हैं और अभी 11 बज गए हैं और अभी सब लोग डिनर के लिए आएंगे क्योंकि हम वो डिनर करेंगे एंड देन वी विल गेट इनटू रुहान्स फर्स्ट बर्थडे ब्रिंग इन. एंड मैंने अब तक शोएब को बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया है. मैंने कुछ मंगवा के उनके लिए रखा है तो अब जब वो आएंगे तो उनको हम बर्थडे गिफ्ट देंगे और उसके बाद जो है हम ब्रिंग इन करेंगे. एंड द बेस्ट पार्ट इज यू नो व्हाट, अभी 15 मिनट पहले रुहान हैज़ डिसाइडेड टू गो एंड स्लीप. कल वो रात भर जगा था पता नहीं क्यों, आज वो सो गया है तो अब मुझे नहीं पता वो कितने बजे उठेगा. तो हम लोग खाना वाना खा के वेट करेंगे कि रुहान उठेगा तब हम केक कट करेंगे. मैंने कुछ नहीं प्लान किया था. तो अर्षद का जब इतना मैसेज आ गया तो मेरे सामने वाले ने मैसेज किया है तो पूछ ले तो मैं कुछ है क्या अर्षद को गिफ्ट करेंगे. हाँ मैम मैं कलेक्शन भेज सकती हूँ, भेज दीजिए मुझे ये पसंद आ गया. अपनी तरफ से Dear Shoaib, wish you a very happy birthday regards Arshad. Thank you, Arshad. If you don't like this neck pattern, we can change it. Because I am also not sure about the neck pattern. ये ऐसा है. Loose है ना तो आ जाएगा. हाँ. रोहान के पास स्पेलिंग स्पेलिंग भी भाई मैंने धर्म ने कुछ दिया मुझे. अरे वाह थैंक यू. मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या तू तुमने बोला था. चलो ये तुम वो बड़े चाड़ है. ये पूछो क्यों क्यों क्योंकि आना का मैडम कही है. कार्ड होल्डर और पेन अभी जो काम चल रहा है ना सारा पेन से राइटिंग तो इनडायरेक्टली लाया आपके लिए. ये था शोएब का बर्थडे एंड रुहान का जस्ट अबाउट टू बिगिन द ब्रिंग इन. एंड आज जब मैं बैठ के शूट कर रही हूँ दिस इज रुहान्स बर्थडे ऑलरेडी. मतलब इट्स गोइंग टू बी सो मच फन फ्रॉम नाउ ऑन कि 20 एंड 21 जो है बैक टू बैक. सो 19, 20, 21 तीनों दिन आर गोइंग टू बी सो मच फन. एंड अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ब्लेस्ड सी फीलिंग आ रही है ना कि मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती. मतलब ये एक साल किस तरीके से गुजर गया एंड इतना ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है, इतना ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा है, इतनी खुशी हो रही है. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मतलब जितना अल्लाह का शुक्र किया जाए उतना कम है. और हाँ शोएब ने एक बात तो सही बोली थी कि अब उनका बर्थडे एकदम ही सादा हो गया है क्योंकि रुहान आ गया है. सो हमने शोएब का ब्रिंग इन किया और शोएब का जो बर्थडे डिनर है वो हमने रात को 11 बजे यहीं घर पे ही किया एंड फॉलोड बाय रुहान्स ब्रिंग इन. वो सब आप नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे. लेकिन मेरे लिए जो इस पूरी जर्नी के सबसे इम्पॉर्टेंट लोग रहे हैं जो आपको पता है हम जिनसे मिलने गए थे आर द डॉक्टर्स. ऑल द डॉक्टर्स जो रुहान से कनेक्टेड रहे हैं राइट फ्रॉम डॉक्टर श्वेता जो कि मेरी गायनाक रही हैं जिनके साथ मेरी पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी सब कुछ रहा है. तो वो एक बैकबोन रहे हैं इस पूरी जर्नी का एंड वो स्ट्रेंथ रहे हैं. जहाँ कहीं भी हम डरे हैं रुहान को लेके वो हमारा सपोर्ट रहे हैं.
तो अब जो है मैं आपको एक एक करके उन सब से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, क्योंकि ये मेरा तरीका है और शोएब का तरीका है उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने का. बोले थैंक यू डॉक्टर ऐसे देना, बोले थैंक यू डॉक्टर फॉर टेकिंग केयर ऑफ मी जब मैं पेटू में था. शुरुआत करते हैं विमेंस हॉस्पिटल से, क्योंकि यहीं पे मेरी गायनेक है, मेरे स्कैन्स वगैरह सब यहीं हुए थे. सबसे पहले मैं आपको मिलवाती हूँ अपने डॉक्टर से, जिन्होंने मेरे सारे स्कैन्स किए थ्रू आउट. द रेडियोलॉजिस्ट एट विमेंस हॉस्पिटल डॉक्टर नम्रता प्रभु देसाई. बिग बॉय, यस बर्थडे कमिंग अप सून. हाउ टाइम इज जस्ट फ्लोन. आई नो, लुक्स लाइक मम्मा बट पूरा रोहन शे. थैंक यू. ओ फॉर मी? यस थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस. You all have been a very important part of his journey, of his growth. And especially you and Dr. Shweta. You all have seen him from the time he was 2.5 mm. I know, rice grain. Yes, rice grain. So, thank you. And that is Dr. Namrata. Thank she you. She has been with me. You know, it's very important ki jab aap wahan lete hote ho, there are so many emotions, dar lag raha hota hai. इतनी सारी चीजें होती हैं, दैट वन सूदिंग वॉइस फ्रॉम द डॉक्टर एंड दैट्स इट. यू आर लाइक हां ओके ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन. थैंक यू सर, आई एम सो हैप्पी दैट वी कुड बी अ पार्ट ऑफ योर जर्नी एंड ऑलवेज वेलकम. एब्सोल्युटली, वुमेन्स तो स्पेशली घर लगता है एकदम, मतलब एनवायरमेंट भी वैसा है एंड आप सबके साथ बॉन्डिंग भी वैसी है. सो दिस इज अ स्मॉल टोकन ऑफ लव, टोकन स्मॉल टोकन ऑफ लव फ्रॉम ऑल ऑफ अस एंड दिस इज स्वीट्स फॉर यू. एंड मैं सबके लिए शीर कोरमा बना के लाई हूँ, तो वो खाए बिना कोई घर नहीं जाना. थैंक यू सो मच. हैप्पी बर्थडे बेटा, गॉड ब्लेस. दिस किसके साथ आया? ओके, सो आज वो वक्त है जब मैं आपसे वो सबसे मेरी जो सबसे स्पेशल वाली और सबसे प्यारी वाली डॉक्टर है उनसे मिलवा रही हूँ. ऑल दिस वाइल आप लोगों ने मुझे पूछा है, मैंने उनके बारे में जिक्र किया है, लेकिन आज मैं इन पर्सन मिलवा रही हूँ मेरी गायनेकोलॉजिस्ट, मेरी स्ट्रेंथ डॉक्टर श्वेता. हेलो, हाय. मेरे लिए स्पेशली मैं किसी ऐसे गायनेकोलॉजिस्ट को ढूंढ रही थी जिनसे मुझे एक कंफर्ट भी मिले, वो स्ट्रेंथ भी मिले एंड करेक्ट गाइडेंस मिले. एंड आई फाउंड एवरीथिंग इन हर. मुझे आज भी याद है जब मैं डिलीवरी के लिए आई थी, मैं सबके सामने हंस खेल रही थी, मैंने शोएब के सामने बड़ी मस्ती की सब कुछ, बट द मिनट आई सॉ हर लाइंग डाउन ऑन दैट स्ट्रेचर, मुझे ओटी के बाहर मैं वेटिंग एरिया में थी, जब मैंने इनको देखा आई स्टार्टेड क्राइंग एंड आई सेड ओके नाउ यू आर हियर, नाउ ओके नाउ आई नो कि कुछ गड़बड़ नहीं हो सकता. सो थैंक यू. You are most welcome. And it's been such a lovely journey. Yeah. And I just want to say I'm so proud of both Deepika and Shoaib. Thank you. That you have made Ruhan into such a healthy, happy and cutest baby ever. He is so cute and he has grown so well. Yes. And you have looked after him really, really well. ये एक एक तरीके से एक होमवर्क मुझे मैम ने दिया था, है ना. yes. जब डिलीवरी के बाद जब हम डिस्चार्ज हो रहे थे, दैट्स व्हेन मैम हैड सेड कि ओके नाउ ऑल इज गुड, ही इज फाइन, नाउ आई वांट टू सी हिम नाइस चब्बी एंड फोटो. सो दिस एक रीजन बहुत बड़ा ये भी क्यों विधवा में था, हाँ चब्बी करना है, चब्बी करना है. एंड दैट्स रियली अ होमवर्क बिकॉज द प्रीमी बेबीज व्हेन दे आर बोर्न दे आर स्मॉल, देयर बॉडी इज नॉट इक्विप्ड टू हैंडल फूड ऑल्सो, दे टेक अ लिटिल व्हाइल to start eating well, digesting the food well, then putting that food on as a part of their weight. Yeah. On their body. So he's done well. I know you have worked hard, but I think yes. The hardest who's worked. Yes. Is Ruhan. Yes, it is Ruhan, absolutely. Yes. It is Ruhan with all the love and all the blessings that he's. Yes. Had. Okay, now that I have the privilege ki aap mere saath video pe ho and my viewers are watching you, एक जो दो तीन क्विक मिथ्स हैं जो बहुत सारे लोगों में है, मैं सिर्फ एक ओवरलुक देना चाहती हूँ. लाइक जब मैंने डिलीवर किया एंड द नेक्स्ट डे यू नो आई वाज वॉकिंग अराउंड, दैट्स राइट, विद द कैथेटर आई वाज वॉकिंग अराउंड, तो सबका ये सवाल था कि ऐसा कौन सा सी सेक्शन है कि अगले दिन ही पैरों पे खड़ी हो गई. राइट. सो वो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो करने की कोशिश क्यों करनी चाहिए, ये आप एक क्विक ब्रीफ दे दो
सो दैट पीपल आर मोर अवेयर. मैं इस वीडियो के जरिए सिर्फ ये चाह रही हूँ कि एक दो सवाल हम ऐसे टच करें जो लोगों को थोड़ा और अवेयर कर पाए, स्पेशली लेडीज को, क्योंकि प्रेगनेंसी आई फील एक ऐसी चीज है जिसमें एक लेडी की बॉडी और हर लेडी की बॉडी अलग होती है. Yes, हर लेडी की बॉडी अलग होती है. Absolutely. तो उस चीज के लिए वो लोग थोड़े जितना कम्फर्ट उनको हम दे पाए वो उतना आई थिंक बेटर होगा. आई थिंक सिजेरियन सेक्शन एज अ सर्जरी हैज इवॉल्व्ड सो मच. इट्स सो सोफिस्टिकेटेड नाउ. इट इज सो पेन फ्री दैट देयर इज नो रीजन कि मॉम दूसरे दिन अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो. ओके, सो सिजेरियन सेक्शन इज पेन फ्री, दैट यू नो. करेक्ट. ओके, द इफेक्ट ऑफ एनेस्थेसिया वेयर्स इन द नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स. After that, there's some discomfort, but pain nahi hota pain. Because the patients are always on antibiotics, painkiller drips, everything. So all that part is covered. There is no pain, there is no discomfort, slight trouble when you get up and when you sit down. But we want the patients to mobilize. We want them to move around because that is how the body's metabolism starts again. That is how, you know, and as a newly delivered mom, कोई चॉइस ही नहीं है. खड़े होना ही है, बच्चे की केयर करनी ही है, बच्चे को फीड करना ही है. यू हैव टू यू नो डू सो मेनी थिंग्स अराउंड यू. सो इट्स एब्सोल्युटली ओके. नेक्स्ट डे यू कैन स्टैंड अप, यू कैन मूव अराउंड, यू कैन बेंड अ लिटिल बिट. यू हैव टू बेंड अ लिटिल बिट टू लिफ्ट द बेबी अप ऑल्सो. ऑल दीज थिंग्स आर ओके. बट इफ देर इज सम कॉम्प्लिकेशन इन प्रेगनेंसी, सपोज इफ समबडी इज ब्लेड टू मच और हाई ब्लड प्रेशर or diabetes in pregnancy, then the doctors tell you, you know, this is the time you have to start mobilizing, this is the time we have to you know, start doing more activities. But routine c-section, absolutely no problem. So also mera jo pura c-section hamara procedure tha wo bahut hi zyada enjoyable tha. I think that uska credit main pura aap logo ko dena chahungi, puri team ko dena chahungi, because wahan pe pura environment aisa tha, everybody around me was smiling and I'm sure most of the doctors do that nowadays. Yes. To it was very pain free for me. Normal delivery and C section both are enjoyable experiences. It's the best day of your life. You have to enjoy. The husband has to be on the side because he's also becoming a father. So you have to, he has to be there. He has to be holding your hand, giving you moral support. Okay? I mean, take a minute here. मुझे OT अभी भी याद है. मैंने तो जब तक मुझे एनेस्थीसिया नहीं दे दिया तब तक शोएब को नहीं एंटर होने दिया और मुझे इतना डर लग रहा था कि मुझे शोएब नहीं दिखाई दे रहे थे. तो लास्ट में मैंने मैम को बोला, मामा मुझे चॉकलेट तो नहीं खिला रहे हो ना, ऐसा तो नहीं कि आप सब कर लो कि आप शोएब को बुला. No, we want the dad to be there because it's a special thing for the dads as well, isn't it? They have to be able to see the baby coming out. Yes, and the baby's yes. first cry. It is so special, it is and so it special. Is really the best day of your life. That to moment see your is the baby best holding moment. The baby in your own hands. So it has to be a happy occasion. And these days, normal delivery के लिए भी हम लोग epidural दे देते हैं. Those deliveries are painless as well. So there's not more. No more screaming and you know shouting in the operation theaters anymore for normal delivery or C-section. It's a joyful experience. Lot of photos with the mom and the baby and all happy vibes. Yes. Just एक question दिमाग में आया. बहुत सारा pressure होता है लोगों पे, कई लोगों पे कि नहीं normal delivery ही करनी है, normal delivery ही करनी है. मुझे ऐसा लगता है कि आज के डेट में सी सेक्शन भी बहुत ज्यादा आम हो गया है, बहुत ज्यादा सेफ हो गया है और उसके पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस भी उतने ज्यादा शायद नहीं है जितने पहले हुआ करते थे. करेक्ट. व्हाट इज योर थॉट? आई कुड बी रॉन्ग. और एक चीज और है जो हमने काफी हमसे लोगों ने सवाल मतलब सवाल किया था, कभी ऐसे बोला कि सी सेक्शन नहीं कराना चाहिए क्योंकि सी सेक्शन जब कराते हो तो आपको हमेशा एक पेन, एक कॉन्स्टेंट वो चीजें यू नो रहती है. तो ये कितना सही है कितना नहीं है या ये लोगों की गलत फहमी है जो अभी तक दूर नहीं हो पा रही है चीजें. तो वो हाँ, बिकॉज देयर आर आल्सो मेनी लेडीज जो क्योंकि उनको नॉर्मल ही करना है वो डेज ऑफ लेबर दे जस्ट स्पेंड. तो व्हाट इज योर टेक एज अ डॉक्टर ऑन इट? सी माय टेक इज बेसिकली अ नॉर्मल डिलीवरी इज अ नॉर्मल नेचुरल बर्थ प्रोसेस. ओके, सो डेफिनेटली इट हैज इट्स एडवांटेजेस क्योंकि नॉर्मल है, नेचुरल है. There is no cut on the uterus, so the next delivery also normally ho sakti hai. Okay. Otherwise, when C-section hota hai, to higher chances of C-section again. Hote hai. But the thing is, there are some indications, jiske liye C-section compulsory hai. For example, if it's a premature baby,
Okay, we can't allow, if it's a very premature baby, that baby will not tolerate the process of normal delivery. Correct. So the baby won't be able to take the process. So premature babies, we do a C-section. If it's a breech baby, baby is coming out with bumps down, then we have to do a C-section because the baby can get stuck. Or even so many times when the patient is already in labor, the labor has gone on for a few hours and the baby is still not coming down, the baby is stuck at some point, baby has done motions inside, baby's heart rate is dropping. In that case, it's not out of choice, but out of need, a C-section has to be done. Good. Because that time the baby's health is more important than which way we deliver the baby out. Good. Correct. So there are, so most of the patients, like I would say 80% of the patients will deliver normally. But 20 or 30% of the patients will have some other medical issues, or the labor doesn't progress as per expectation. So C-section is done. Both are safe. Both are okay. The end point is the mom has to be healthy, baby has to be healthy, there should be no complication. Yeah. That's all that counts. Yes. And dono ke baad aapko bahut केयर करना पड़ता है, इरिस्पेक्टिव आपकी नॉर्मल हुई है या आपकी सी सेक्शन हुई है, केयर करना बहुत जरूरी है. माँ को रेस्ट करना बहुत जरूरी है बिकॉज उस वक्त बेबी को माँ की, जैसे मैम ने बोला, सबसे ज्यादा जरूरत होती है. सो इनफैक्ट दोनों ही बेड में पड़े रहो, दैट इज द बेस्ट वे टू कम आउट ऑफ इट. हील वेल एंड फील वेल. और एक छोटी सी चीज और मेरे दिमाग में आई है, लाइक हम लोग जब ब्लॉग्स डालते हैं तो हमसे कई लोग, कई तरह के, सबकी अपनी अपनी मेंटालिटी. लाइक दीपिका को जब सी सेक्शन हुआ, उसका ऑपरेशन हुआ, डिलीवरी हुई, उसके बाद इसने कभी अपना सर कवर नहीं किया. ओके. कई लोग बोलते ना कि सर कवर करके रखो, हवा नहीं चलने दिए. और नेक्स्ट डे से ही, आई थिंक फर्स्ट डे, एक दिन के बाद से इसने पूरा प्रॉपर सॉलिड वो इडली वगैरह खाना शुरू कर दिया. तो उसमें भी लोग ये कह रहे, कई लोग सवाल करते हैं कि यार ये कैसा ऑपरेशन है, मैं समझ में नहीं आया कि नहीं, हम तो एक एक हफ्ता हम मतलब लिक्विड लेते हैं और फिर सर कवर करते हैं, तो ये मतलब क्या है, कैसा उनका वो. ये ना थोड़े पुराने जमाने के थॉट प्रोसेस है, बिकॉज पुराने जमाने में रेट ऑफ इन्फेक्शन ज्यादा रहता था. हाइजीन, क्लेनलीनेस एट होम ऑल्सो, इट यूज टू बी नॉट सो मच, बिकॉज यू नो somebody could be coming from a village area, so all that, so over or women would be so exhausted that they would not be able to digest food, jo bhi hai. So abhi ke zamane mein our surgeries are so sophisticated, the antibiotic cover is so good, pain medications are so good, that there is really no reason for you to restrict yourself. True. टू एनी थिंग की 40 days रूम में बंद रहो, जो पुराने जमाने के थॉट प्रोसेस है वो सब अभी फॉलो करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. सो यू कैन मूव अराउंड, यू कैन ईट सॉफ्ट मील्स, यू नीड इनफैक्ट मोर न्यूट्रिशन आफ्टर डिलीवरी, इजंट इट. सो द सेम न्यूट्रिशन दैट यू वुड हैव आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी, वही न्यूट्रिशन आपको सी सेक्शन के बाद लगेगा, बिकॉज बच्चे के लिए तो फीड बनाना ही है. सो गुड सिंपल होम कुक मील्स यू कैन स्टार्ट राइट फ्रॉम डे वन, डे टू, नो प्रॉब्लम. और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, आज डॉक्टर भी हैं साथ में, कि कभी किसी से अपनी बॉडी को कंपेयर नहीं करो, 100%, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग होती है. दीपिका ने अलग चीजें, हर एक डॉक्टर जो आपके पर्सनल डॉक्टर होते हैं, जिनके आप सुपरविजन में होते हो, हमेशा उनसे कंसल्ट करके चीजें करो. जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि दीपिका शुरू से डॉक्टर के सुपरविजन में रही है, क्या बॉडी रिक्वायर है क्या नहीं है, खाना पीना, जेस्टेशनल डायबिटीज हुई, चीजें हुई. तो सिर्फ क्योंकि हम लोग, कई लोग हैं, हम लोग वीडियोस डालते हैं, हम देखते हैं, आपको लगता है कि जैसे अभी कई लोग ये सवाल करते हैं, अरे रोहान बड़ा हेल्दी है, उसकी डाइट बता दो. लेकिन उसकी डाइट अलग से है वो जो. तो कभी भी किसी को देख के कोई चीज फॉलो ना करें, सबकी बॉडी अलग है, तो वो जरूर है. एंड व्हाट वी नीड टू नो इज नेचर टेक्स केयर ऑफ मोस्ट ऑफ द थिंग्स, इजंट इट. सो दैट टेल्स अस, नेचर गाइड्स अस. इफ समथिंग इज नॉट सूटिंग यू, और इफ एज अ मदर व्हेन यू आर ब्रेस्ट फीडिंग द बेबी यू ईट सर्टेन फूड एंड द बेबी स्टमक डजंट अग्री विद इट, ओके. इफ यू हैव टू मेनी ग्रीन वेजिटेबल्स, यू फाइंड दैट द बेबी इज गेटिंग स्लाइटली लूज स्टूल्स. So you know that this food, if I eat, it yes. doesn't agree with yes. my baby. So you automatically stop having that. So our body tells us, yes. nature tells us, yes. we have to trust the process. Correct. It's a natural thing for any woman, physiological thing for any yes. woman to yes. get pregnant, yes. have babies, feed them, nurture them. Yes. Okay, all that comes Absolutely. From inside, isn't Absolutely. It? Absolutely. This is a mark of gratitude, love. From Ruhan, from Shoaib, and from me. Thank you. And as I said, the biggest gift is seeing yes. Ruhan so healthy and happy and chubby. That's the greatest gift. Yes. How did you become so big so fast? Now he's sleepy. He's had his breakfast. Now he's sleepy.
so happy to see you. Hi. Rohan, look at me. Doctor, look at me. Hi. ओके चलो ओके एंड दिस इज आरती. ये भी आरती है जो मेरे बहुत ज्यादा क्लोज हो गई है बिकॉज दिस एंटायर जर्नी ऑफ मी ट्राइंग टू कंसीव देन कंसीविंग देन रुहान कमिंग इन इन दिस लास्ट वन ईयर. जो कुछ भी छोटी सी छोटी बड़ी सी बड़ी चीज हो वो आरती हम इतने बजे आ जाए आरती हम इतना लेट हो रहे हैं आरती ये आरती वो पॉसिबल है टेस्ट का रिपोर्ट आ रहा है सब कुछ हो रहा है. एंड जब टेस्ट की रिपोर्ट आ रही थी जितने एंशियस हम होते थे उतनी ही ज्यादा घबराहट मुझे इसके आवाज में भी सुनाई देती थी. सो थैंक यू फॉर बीइंग सच अ लवली सपोर्ट एंड बिकमिंग सच अ लवली डियर फ्रेंड इन दिस कोर्स ऑफ टाइम. एंड इट्स हिज फर्स्ट बर्थडे सो दिस इज अ टोकन ऑफ लव फॉर यू. थैंक यू फ्रॉम ऑल थ्री ऑफ अस. थैंक यू विद सम. थैंक यू. Thank you so much. Okay, and we wish all the very best to Rohan for such a beautiful milestone, his first birthday. Yay, I won!